हेलो दोस्तों, सरकार मशरूम फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेस्टर्न मशरूम का सिलेंडर का जो पैकिंग करने का जो प्रोसेस है, इजी प्रोसेस, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ऐसा पीपी लेना चाहिए। इसका साइज है 12x18 का, ये है। इससे और भी बड़ा बड़ा होता है, वो कोई कोई यूज़ करते हैं, हम लोग 12x18 का साइज यूज़ करते हैं। ये सब 12x18 का है। ये यूज़ में अच्छा है, थोड़ा हल्का होता है, काम करने में सुविधा होता है इसको। लेकिन आपको ये जो है, इसका जो पिछला हिस्सा है, इसको आपको एक जगह करके इसमें रबर बैंड से गांठ मारना पड़ेगा, तभी आपका सिलेंडर जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। गोलाई एकदम पीछे वाला एकदम गोलाई आएगा, एकदम सुंदर होगा। इसलिए इसको जो है हम लोग पीछे में ऐसे गांठ मार कर लेते हैं। देखिए ऐसा बना हुआ है, ये देखिए ऐसा होगा, ये पीछे में गांठ मारने से ऐसा होगा। इसको साइड में रख देते हैं। अभी और जो है आपको ये फोन है, वेस्टर्न स्पॉन बोलता है, वेस्टर्न मशरूम का स्पॉन। इसको हम एक कटोरे में ले लेते हैं खोल के। इसे ये है स्पॉन। ये गेहूँ से भी बनता है और धान से भी बनता है। लैब में जैसे तैयार होते हैं वैसे ही हम लोग काम करते हैं। इसीलिए अभी ये पीपी लेंगे। और एक चीज़, आपको ग्लव्स यूज़ करना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्पॉन लेना है, नीचे में एक लेयर सिर्फ ऐसे फेंक देना है, सुंदर लेवल देख के। फिर हम लेंगे ये धान का पोल। इसको जो है सुंदर से बनाइए, इस तरीके से हाथ को जो है ऐसे लेके इस तरीके से पकड़िए, ऐसे दाबिए साइड में, फिर घुमाइए इसको थोड़ा सा, ऐसे घुमाइए फिर इसको दाबिए। देखिए फिर इसको दोनों हाथ से ऐसे पकड़िए, जैसे हवा अंदर में ना रहे बाहर आ जाए ऐसे दबिए। अगर हवा अटक गया तो आपका पीपी बैग जो है वो फट जाएगा। ऐसे फिर थोड़ा सा स्पॉन लीजिए, फिर से धान का पोल लेंगे। ऐसे ही आपको 6 लेयर करना पड़ेगा, 6 भी कर सकते हैं 5 भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, सिलेंडर आपका ढीला ना हो। जितना टाइट होगा आपका मशरूम जो अंदर में जो माइसिलियम बनेगा वो बहुत अच्छी तरीके से बनेगा।
अभी देखिए इधर में ये स्पॉन का एक लेयर है, एक लेयर, इसके नीचे भी पहले हम दे चुके हैं उसको लेके 1, 2, 3, 4, 5 लेयर, इसमें अभी हम ऊपर से देंगे ये कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 6 लेयर हो गया। आपको थोड़ा सा छोड़ना है इसको गांठ मारने के लिए, नहीं तो गांठ नहीं लगेगा ज़्यादा भर देंगे तो। सिलेंडर हमारा हो गया, अभी इसको गांठ मारेंगे, इसको ऐसे पकड़िए, इसमें ध्यान दीजिएगा इसके अंदर में जो हवा है उसको बाहर निकालना है, इसीलिए हम इसको इसका जो मुंह है इसको ज़्यादा टाइट से नहीं पकड़ेंगे। अभी इसको दबाएंगे, देखिए हवा निकल जाने से ऐसे इसको दाब दीजिए, दाबने के बाद देखिए हवा निकल गया, इसको मोड़ देंगे इसे। अभी थोड़ा इसको सामान कर देते हैं जैसे। अभी आपको जो है रबर बैंड चाहिए होगा, ये 0 साइज का रबर बैंड है, इसमें 2 या 3 रबर बैंड लीजिए। ये हमारा सिलेंडर रेडी हो गया। और एक चीज़ है दोस्तों, ये जो स्पॉन है ये 200 ग्राम का पैकेट आता है, इसमें एक स्पॉन का पैकेट से आप 2 सिलेंडर ऐसे 12x18 का 2 सिलेंडर बना सकते हैं। एक नंबर क्वालिटी का स्पॉन है हमारे पास। ये हमारा रेडी हो गया, इसमें अभी हम कॉटन लगाएंगे और इसको हैंगिंग कर देंगे। ये हमारा रेडी हो गया। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि ये मशरूम का सिलेंडर बनाना कितना आसान है। हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले मशरूम के बारे में और भी वीडियोस हम आप लोगों को तक आसानी से पहुंचा पाए। धन्यवाद।